ही नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं डायमेंसिटी 800U को स्नैपड्रैगन 730G से एंड देखेंगे कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। यहाँ पर डायमेंसिटी 800U एक 5G चिपसेट है, बट यहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट में अभी भी 5G आने में टाइम है। इसकी वजह से बहुत लोग अभी 4G चिपसेट प्रीफर कर सकते हैं। मिनिमम 2023 तक आप 4G चिपसेट को प्रीफर कर सकते हो। इसकी वजह से अब मैंने परफॉर्मेंस का दोनों को कंपेयर किया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर चिपसेट है। पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U लॉन्च हुआ है 18 अगस्त 2020 में, जबकि यहाँ पर 730G लॉन्च हुआ था 9 अप्रैल 2019 में। तो यहाँ पर एज पर द लॉन्च डेट डायमेंसिटी 800U एक लेटेस्ट चिपसेट है। बात करते हैं यहाँ फैब्रिकेशन की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U बेटर है बिकॉज यहाँ पर हमें मिलता है 7nm का TSMC वाला प्रोसेस, जो कि बेटर है एज कम्पेयर टू 8nm LP वाला प्रोसेस जो कि हमें स्नैपड्रैगन 730G में मिलता है। तो यहाँ पर जो हीटिंग है वो भी कम होगी काफी हद तक, एंड जो बैटरी एफिशिएंसी है वो काफी हद तक ज्यादा होगी डायमेंसिटी 800U में एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 730G। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के रैम को, तो यहाँ पर दोनों में हमें ड्यूअल चैनल LPDDR4 का रैम मिलता है, बट यहाँ पर डायमेंसिटी 800U काफी हद तक बेटर है बिकॉज यहाँ पर हमें 12GB तक का रैम मिल सकता है। एंड इवन ये जो चिपसेट है यहाँ पर 2133 MHz के रैम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो रैम का जो कंपैटिबिलिटी है वो काफी हद तक बेटर है डायमेंसिटी 800U में। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के स्टोरेज कंपैटिबिलिटी को, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U सपोर्ट करता है अप टू UFS 2.2, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G सपोर्ट करता है UFS 2.1। तो यहाँ पर बेटर हमें सपोर्ट मिल जाता है स्टोरेज का डायमेंसिटी 800U में। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के AI परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो काफी ज्यादा 19-20 का मामला है बिकॉज दोनों में हमें जो AI परफॉर्मेंस है काफी हद तक अच्छी मिलती है, बट मेरे ओपिनियन से यहाँ पर डायमेंसिटी 800U जो है वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करेगा। बात करते हैं यहाँ पर ISP की, तो यहाँ पर ISP के मामले में डायमेंसिटी 800U में हमें सिंगल सेंसर का सपोर्ट मिलता है 64 MP तक का, एंड यहाँ पर ड्यूअल कैमरा लगाया जा सकता है 20 MP प्लस 16 MP का, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G में सिंगल कैमरा 192 MP का लगाया जा सकता है, जहाँ पर हमें MFNR एंड ZSL दोनों ही नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर 36 MP का कैमरा लगाया जा सकता है सिंगल सेंसर के हिसाब से, जहाँ पर हमें दोनों ही मिल जाएगा। बट यहाँ पर हम बात करते हैं ड्यूअल कैमरा की, तो यहाँ पर हमें 22 MP का सपोर्ट मिलता है ड्यूअल कैमरा के मामले में। सो ISP के मामले में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G जो है वो स्लाइटली बेटर निकल के आता है। बात करते हैं यहाँ पर दोनों के वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की, तो यहाँ पर दोनों में ही 4K तक के वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है 30 FPS पे। बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले कॉम्पैटिबिलिटी की, तो यहाँ पर दोनों में ही हम FHD+ तक के डिस्प्ले को लगा सकते हैं जो कि 120Hz में काम करेगा। बात करते हैं यहाँ मॉडेम की, तो मॉडेम में आप जानते ही हो कि डायमेंसिटी 800U जीतता है बिकॉज यहाँ पर हमें 5G मॉडेम मिलता है, जिसकी जो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड है वो काफी हद तक ज्यादा है। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों को सिंथेटिक बेंचमार्क के हिसाब से, तो यहाँ पर डायमेंसिटी यू के जो सिंथेटिक बेंचमार्क है अभी तक मेरे पास नहीं आया है, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि ये लगभग 270,000 से लेकर 300,000 के आसपास स्कोर कर लेगा N2-8 में, एंड यहाँ पर गिगबेंच 5.1 में ये स्कोर कर लेगा 580 सिंगल कोर में, एंड 1800 से लेकर 2000 के आसपास ये स्कोर कर लेगा मल्टी कोर में, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G के N2-2 स्कोर से, तो आप देख सकते हो लगभग हमें थोड़ा सा बेटर स्कोर मिलता है डायमेंसिटी 800U में। बाकी रियलिटी में क्या होता है स्कोर मुझे अभी तक नहीं पता है, बट ये मेरे एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस चिपसेट से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों को PUBG परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G को मैंने पर्सनली टेस्ट किया है, तो यहाँ पर हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग मिलती है बाय डिफॉल्ट, जहाँ पर हमें 35 से लेके 40 FPS मिलते हैं। यहाँ पर हम GFX टूल को यूज करने के बाद स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की गेमिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमें लगभग 55 से लेके 45 का FPS रेट मिलता है, एंड यहाँ पर हमें HD+ हाई तक की सेटिंग में 40 से लेके 42 FPS मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें गेमिंग के मामले में स्नैपड्रैगन 730G काफी ज्यादा बढ़िया चिपसेट लगता है। बात करते हैं यहाँ पर डायमेंसिटी 800U की, तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक कोई भी फोन नहीं बना है डायमेंसिटी यू के साथ में, डायमेंसिटी 800U के साथ में, तो मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है मेरे हिसाब से, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग मिल जानी चाहिए, जहाँ पर हमें 44 से लेके 55 FPS रेट मिलेंगे, एंड ये चिपसेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट HDR+ अल्ट्रा तक की सेटिंग को भी सपोर्ट करेगा, जहाँ पर हमें 35 से लेके 37 FPS रेट मिलेंगे। ये मेरे एक्सपेक्टेशन है स्पेक्स को देखने के बाद, बाकी रियलिटी में क्या होता है वो तो हमें देखने को मिल जाएगा जैसे फोन कोई बन जाएंगे डायमेंसिटी 800U के साथ में। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के CPU को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में जो कॉन्फ़िगरेशन है काफी हद तक इक्वल है। दोनों में हमें ड्यूअल क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है, दोनों में हमें पहले क्लस्टर में 2 कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स के A76 वाले, एंड दोनों में हमें सेकंड क्लस्टर में एफिशिएंसी के लिए कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स मिलते हैं।
बट जो फर्क आता है वो आता है क्लॉक स्पीड के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ इक्वल है तो यहाँ पर डिपेंड करता है किसका क्लॉक स्पीड है। यहाँ पर हमें डायमेंसिटी 800U में मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730G क्लॉक्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पे। तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 800U का CPU। तो यहाँ पर जो स्नैपीनेस होगा फोन का यूज करने में, यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग का जो स्नैपीनेस होगा, ऐप को यूज करने का स्नैपीनेस होगा, वो यहाँ पर स्लाइटली बेटर होगा डायमेंसिटी 800U के चिपसेट में। बाकी अभी हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के GPU को। तो यहाँ पर GPU के मामले हम कह सकते हैं कि दोनों में एकदम ही 19-20 का फासला है, जैसे कि CPU में भी 19-20 का फासला ही है। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U का जो GPU है काफी हद तक कैपेबल है। अभी तक हमने रियल लाइफ में इसको टेस्ट नहीं किया तो मैं एकदम पुष्टि करके कोई बात नहीं कह सकता, बट स्पेक्स को देखकर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर डायमेंसिटी 800U का जो GPU है वो काफी हद तक बेटर परफॉर्म करेगा स्नैपड्रैगन 730G के GPU से। एंड इवन तो यहाँ पर जो G90T है उसका जो GPU है वो भी बेटर है स्नैपड्रैगन 730G के GPU से, बट यहाँ पर जो हीटिंग है उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत जो है बॉटलनेक करता है, थोड़ा बहुत जो है थर्मल टॉटलिंग करता है। बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन होने वाला है इसके साथ में, बिकॉज यहाँ पर जो फैब्रिकेशन है वो काफी हद तक बढ़िया है, तो हीटिंग की बात यहाँ पर नहीं आती है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों के GPU को, तो GPU यहाँ पर डायमेंसिटी 800U का मुझे बेटर लग रहा है। बाकी अगर यहाँ पर हमें कोई भी हीटिंग के इश्यू देखने को नहीं मिलेंगे डायमेंसिटी 800U में, तो वो काफी हद तक बेटर परफॉर्म कर देगा GPU के हिसाब से। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के एक बिगर पर्सपेक्टिव से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U में हमें बेटर फैब्रिकेशन मिलता है, बेटर रैम मिलता है, बेटर स्टोरेज सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर हमें मॉडेम भी बेटर मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो CPU एंड GPU है वो भी काफी हद तक बेटर है। ऑन दी अदर हैंड स्नैपड्रैगन 730G में हमें बेटर ISP मिलता है। बाकी मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको दोनों चिपसेट मिल रहे हैं 18,000 के बजट में, तो आपको डायमेंसिटी 800U प्रीफर करना चाहिए। बट अगर यहाँ पर कोई भी हीटिंग इशू नहीं है तो, बिकॉज मीडियाटेक के चिपसेट के साथ में मैंने देखा है कि यहाँ पर जो हीटिंग है थोड़ी बहुत इशू यहाँ पर क्रिएट कर देता है चिपसेट के साथ में, तो अगर इस बार कोई भी हीटिंग का इशू अगर नहीं रहता है, बिकॉज ऑन पेपर देखकर तो नहीं लग रहा है कोई भी इशू रहने वाला है, तो अगर कोई भी इशू अगर नहीं रहता है एंड अगर कोई भी कंपनी इसको अच्छे से यूज कर पाती है फोन के अंदर, तो आपको डेफिनेटली डायमेंसिटी 800U लेना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियंस एंड क्या बिलीव्स है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ। Baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it.